बहुत नॉनसेंस। मैं अपने फैंस का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये सब अफवाहें हैं। ये हुई ना बात। अब हमारे जान में जाए, आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने का प्लान किया। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ए, कौन है तू? मैं मुमताज का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुर्सी डाल। आप कौन है सर? अब दो घंटों में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं दो घंटे के बाद ही कुर्सी डालूंगा। जा जा, शादी होने के बाद सबसे पहले मैं तेरा ही पता काट दूंगा। हाय। शर्मा रही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मालूम होता है वो डायरेक्टर से हमारी शादी के बारे में कह रही है, इसलिए वो मुबारकबाद दे रहा है। शादी के बाद पेमेंट बढ़ा के मांगूंगा। रेडी है? रेडी सर, मैं तैयार हूँ। तो अपने पोजीशन पे जाइए। रेडी? रेडी सर। क्लैप। सर साउंड। अबे हट। और ये शादी का जोड़ा आज के लिए बनवाई हो? हाँ। ना ना कहकर आखिर दिखाना ही पड़ा ना। क्या बोल रहे हैं? पर्दा हटने के बाद पहली बार चेहरा देख रहा हूँ। देख लिया। अब मैं चलती हूँ। चलती हो? हमें जाना है ना। कहाँ जाना है? मंदिर। सारा इंतजाम हो गया है। किस लिए? शादी के लिए। किसकी? हम दोनों की शादी है मुमताज। ये क्या बक रहे हो? कौन बक रहा है? मुहूर्त के निकलने से पहले हमें पहुँचना है, जल्दी चलो। कौन हो तुम? क्या इरादा है? तुमसे शादी करने का इरादा है, चलो। डायरेक्टर सर, प्रोड्यूसर सर, अरे मैं तो यहाँ हूँ। फिर कभी मुमताज से शादी की बात सपने में भी सोची तो सपने में आकर मारेंगे। अरे बाप रे, शादी से पहले ही इन लोगों ने मेरा हनीमून करा दिया। बदन का कौन कौन सा पुर्जा काम करेगा कुछ पता नहीं। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये किस फिल्म का गाना है? ये प्यार मोहब्बत की बात है, तू नहीं समझेगा। बेचारा पगला गया। आहा, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया पा रहा हूँ, ये कौन सा बिजनेस है समझ में नहीं आ रहा। देश के नौजवानों, एक अभिनेत्री का फैन बन के रहना काफी नहीं, उसका पति बनने का भी ख्वाब देखकर आखिर में बर्बाद होके फटी हुई मेरी हालत देखकर कुछ सबक सीखो। ऐसी हालत तुम में से किसी की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा परिवार, फिर तुम्हारी पढ़ाई, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी, ये मत भूलना। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के यहाँ जो भी आया। कौन हो तुम? आप ही डिटेक्टिव शंकर है ना? हाँ। तो ये क्या हाल बना रखा है आपने? उससे तुम्हारा क्या मतलब? सुनो, मैं खूनी को पकड़ने के लिए यहाँ भेष बदल कर बैठा हूँ, तुम अपना काम देखो, जाओ। प्लीज मुझे घुमाने ले जाइए ना। क्या, तुम्हें घुमाने ले जाऊँ? मुझे शूटिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे घुमाइए ना। वही बुरखा, वही साइज, ऊपर से घुमाने के लिए भी कह रही है, आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ हीरोइन शकीला। फिर से हीरोइन? अब आप क्या करने वाले हैं? मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ, अगर न कर सका तो खुद को मिटा भी सकता हूँ। वो लड़की अभी तक जिंदा है, आपने उसे जिंदा ही तो मांगा है। लाश मंजूर है तो कहिए, सुबह होने से पहले ही पार्सल कर दूंगा। मार दीजिए, अब कुछ मत सोचिए, लेकिन आसान मौत नहीं। आपके मुल्क में हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक उसे पत्थरों से मार डालिए। ये हुई ना बात, पैसे जो लिए हैं आपसे, समझ लीजिए काम हो गया। आपके कानून के मुताबिक अब हमारे देश में उसे मारना मेरी जवाबदारी है। मैडम। अरे दी, आओ आओ, अच्छे वक्त पर आए हो, आरती ले लो। अरे रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो उठो, गॉड ब्लेस। सच में तुम दोनों को किसका शुक्रिया अदा करना है पता है? तुम्हारी प्यार की जीत के लिए लड़ी थी ना वो तुम्हारी तीनों फ्रेंड्स, उनका शुक्रिया अदा करो। वो हमारे देश की लड़कियां कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैडम। यस। 100 साल की उम्र है उनकी। रंभा का फोन है। हाय रंभा। तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लेती हूं। हाय रंभा, बोलो। आप लोग कहाँ हैं? दरगाह से लौटते हुए वकील मैडम के पास आए हैं। ठीक है, वहीं रहिए। हेलो 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 सलीम। हे
लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में हैं। क्या हुआ रंभा? कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया है, वो लोग इसी रास्ते आएंगे। सामने से कोई भी गाड़ी आए तो हॉर्न बजाना। ये गाड़ी नहीं, ये भी नहीं, गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाओ। अरे बजाओ ना। ए, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी चलो। पत्थरों से मारने पर दुख तो मुझे भी हो रहा है, पर क्या करूं, वैसे मेरी आदत है घोड़ा दबाने की। Ah!
नहीं, नहीं प्लीज। वन टू थ्री, थ्री टू वन। ए, ये गिनती बंद कर। गिन गिन के दुश्मनों से पैसे लेके देश को तबाह कर दिया। आओ बहादुर शेरनियों, सुना है मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है तुम लोगों ने। चलो आज इस बब्बर शेर से टक्कर होगी तुम्हारी। अब ऊपर वाला भी तुम तीनों को मौत से नहीं बचा सकता। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ खून की खुशबू सूंघी हो, वो आज पहली बार फूलों की खुशबू का लुत्फ उठाएगा। प्यार क्या है न जानने वाला तू, फूलों की बात करता है। प्यार लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों के मन में हवस की भावना उमड़ती है, यही तो है प्यार। तुम क्या जानो प्यार के बारे में? पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की एक मिसाल के रूप में यहाँ प्यार की एक निशानी है, ताजमहल। बेवकूफ था शाहजहां, नदी किनारे हजारों एकड़ जमीन की जिंदगी को ही कब्र बना दिया उसने। मुमताज के नाम पर फैक्ट्री लगाई होती तो आज कितने ही परिवारों को रोजगार मिलता। ये देश का दुनिया का कब्रिस्तान है जो हर कोई यहाँ कब्र बनाए। सिर्फ दौलत की भाषा समझने वाला जानवर है तू। तुझे क्या मालूम प्यार क्या होता है? अच्छी तरह मालूम है। अंगार हो या फूल, दोनों मेरे लिए एक ही है। अब दुनिया मेरे हाथों में है और तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होने वाली है। सुखी रहो बेटा। जीते रहो बेटे। हेलो फूलो, सलामत रहो।